मैं जो भी है जैसा भी है वो पिला रहा था। और जब मैं स्वर्ण साथी के बारे में मैंने सुना कि ये प्रोडक्ट जो है हल्दी के बारे में और इसके मुझे मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे लिए नहीं। मैंने बाकायदा करीबन ना करीबन 5-6 मीटिंग की इनके साथ, इनसे पूछा, बहुत सारी बातें की। बहुत सारा है, मैं चाहूँगा पहले वो आप ऐड देख लीजिए, उसके बाद मैं बातचीत। So can we have the ad, please? Yes, sure. So actually, we wanted to unveil the ad with you on stage and Mr. Girish on stage, if you will allow. Let them see it now. Okay. Unveil this. So, sir, you can see the remote. They can remote out the mic. Okay. 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 Jaza. लोगों ने सब देखा ये, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ प्रेस वाले हैं, अगर आप उनसे कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ओनर जी को बुलाऊंगा। सगीश जी आइए। Can we have the box on the stage, please, so that we can unveil the product? Can unveil? Product unveil, sir. तब उसके बाद उसको जब वो करा, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, इसलिए मैं
काम करूंगा और के सर ने इसके लिए कई सर्टिफिकेट लिए हर सर्टिफिकेट्स को इनकी जो टीम है उन्होंने चेक करा और ये बात बिल्कुल सही है दिस इज नॉट क्योर दिस इज प्रिवेंशन और प्रिवेंशन क्या है आप सोचिए छाता लेके चलते हैं ना बारिश होने से बचने के लिए तो ऐसे ही जो इल हैबिट्स की जो चीजें हैं जो लोग गुटखा खाते हैं सिगरेट पीते हैं और ये और नशे की चीजें खाते हैं तंबाकू खाते हैं जर्दा खाते हैं ये उसका छाता है इट इज अ प्रिवेंशन अम्ब्रेला ऑफ दैट इफ यू विल ईट एवरीडे वन पाउच इट इज अ सेफगार्ड We cannot claim anywhere. We are not claiming anywhere कि इससे आदमी ठीक हो जाएगा। एक दोस्त बैठे हैं यहाँ पर लखनऊ से हैं। वो अरबों अरब पति आदमी होंगे और बिजनेस है उनका और जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ मेरे को लेने आते हैं मैं देखता हूँ कि गाड़ी में एक डिब्बा रखा होता है वो खाते रहते हैं मैं सब कुछ अभी भी खा रहे थे थोड़ी देर पहले तो वो कहते हैं नहीं भैया मैं तो खाऊंगा इसे नहीं छोड़ सकता मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो खाना छोड़ देंगे उनका मुंह गल जाएगा वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे तो इट इज अ प्रिवेंशन इट इज नॉट ए क्योर और जिन लोगों को बाई दी कैंसर हो चुका है और कैंसर होने के बाद वो ठीक हो गया अगर वो इसके 5 से 6 पाउच रोज खा ले तो उनके लिए तो उनको आगे एग्रीमेंट नहीं हुआ कैंसर और ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आपके माउथ में थोड़ी देर मुंह में आपके थोड़ी देर रहेगा भी क्रंचिंग मंचिंग इफेक्ट होता है वो भी हमने दिया है ताकि आपके माउथ में वो थोड़ी देर रहे जैसे जिनको आदत होती है वो कंटिन्यूस खाते हैं तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट अगर छोड़ना चाहें लोग तो बहुत अच्छा इट इज अ मैसेज वी डोंट वांट कि लोग ज्यादा पैसा खर्च करें गुटके के 50 पैकेट खा जाते हैं 20 पैकेट खा जाते हैं कितना खा जाते हैं मैं वो कम वो नहीं चाहिए हमें ऐसा सेल्स कंपनी का नहीं चाहिए सर लेकिन आपने अभी बताया कि इसका टेस्ट इतना अच्छा बना है कि वो लोग खाना देखिए टेस्ट अगर टेस्ट अच्छा नहीं बनाएंगे तो आप खाना भी घर पे नहीं खाते ना घर पे अगर आपकी वाइफ सब्जी ठीक नहीं बनाएगी तो खा लेंगे आप वही आप कह देंगे जबकि वो 25 साल से अभी रह रही हो तो टेस्ट की बात है पेशेंट के लिए और जो कैसे गुटखा खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो टेस्ट अच्छा होना ही है सर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी मिल रहे हैं जो आप उसको क्लेम कर रहे हो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो दावा कर देंगे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा आपका गुटखा ठीक हो जाएगा आप इस पे कितना जोर दोगे हमारा ये प्रोडक्ट सिर्फ कैंसर से प्रिवेंशन के लिए है मौत से प्रिवेंशन के लिए हम जोर नहीं हम इसको आपको लिखकर देते हैं जो इसको खाएगा उसको कैंसर होने से बच जाएगा पर ये नहीं कहते कि इट इज प्योर जिसको कैंसर हो चुका है उसका क्योर हो जाएगा बैड ट्रैफिक सिस्टम की वजह से होता है बैड ट्रैफिक सिस्टम और गवर्नमेंट भी क्या करें जब 100-100 करोड़ लोग होंगे सड़कें भी इतनी ज्यादा नहीं होती टूट जाती है बारिश होती है तो डेफिनेटली ट्रैफिक सिस्टम में जब काम लगेगा तो धुआं निकलेगा डेफिनेटली तो उसका भी असर होता है और देखिए इस देश के बहुत सारे ज्यादा जनता गरीब है और सारी दुनिया जानती है कि इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी जानते हैं कि आप जो है तंबाकू चीनी पान गुटखा इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी दूर हैं लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई सारे ऐसे एक्टर हैं कि आप बीड़ी सिगरेट ये सब जो सेवन करते हैं आप ये छोड़ दें अक्षय जी अगर आप सरकार आप इतने दूर मुझे सुनाई नहीं दिया लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफी इन सारी चीजों का काफी सेवन करते हैं तो आप चाहेंगे कुछ एक आपके काफी करीबी दोस्त भी हैं तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज करें और आप चाहेंगे कि वो तंबाकू बीड़ी ये सारी चीजें छोड़ दें अरे बिल्कुल मैं कौन नहीं चाहेगा चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो जिसके लिए भी हो स्वर्ण साथी सबके लिए है और मैं चाहूँगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें और बुरी चीज़ नहीं है बहुत अच्छी चीज़ है
लाभदायक चीज है एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती है और मैं यही चाहूंगा बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूंगा इसके ओके अक्षय जी वॉलेट एक प्रेम कथा जो है एक आखिरी सवाल वॉलेट एक प्रेम कथा चैनल में भी रिलीज हो रही है उसका नाम है वॉलेट हीरो चैनल में काफी अच्छा बिजनेस होता है अगर आप कुछ कहना चाहें कितने एक्साइटेड हैं आप उसके बारे में आप और मैं वार्तालाप बाद में करेंगे ओके खासकर जब बड़े स्टार्स कर दे तो ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए एंड जो गलत है सो गलत है और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें क्योंकि यस बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं उसे फॉलो करते हैं सो आई होप हम इससे पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट हल्दी देखा इसके अंदर हल्दी देखी और मुझे बचपन से मालूम है ये जरूर मालूम है कि हल्दी इज हेल्दी और हमारे हिंदुस्तान में ये जो हल्दी चीज है बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं आयुर्वेदा में आती हैं जो कि बहुत फायदेमंद होती है और हम उसको हमेशा देखते नहीं है उस पर जोर नहीं करते अलग रहते समझते हैं बल्कि मैं कई फॉरेनर्स को जानता हूँ कई लोगों को बाहर जानता हूँ जो कि हल्दी का इस्तेमाल करते हैं उनके घर में बनती है जिंजर का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदा में जो आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो मैंने जब देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं और मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जी मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूँ इसे स्वर्ण साथी को थोड़ा पीछे होना पूरा दादा दादा